गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव फॉर्म। ठीक है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या कर देते थे कि जो अपर लिमिट था उसको छोड़ देते थे बट लोअर लिमिट को कंसीडर करते थे। ठीक है, जैसे थोड़ा सा एक बार हम तो दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक, जैसे मान लो हमारा इंटरवल है यहाँ पे 10 to 20 है। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव में क्या करते थे, 10 से लेकर 19 तक हम कंसिडर करते थे, बाकी 20 को क्या करते थे, एक्सक्लूड कर देते थे। ठीक है, बट और इंक्लूड में क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव में क्या होता था, एक्सक्लूसिव में, ठीक है, यानी कि एक्सक्लूसिव में 10 से 19 तक लेते थे, 20 को अपर लिमिट को हम एक्सक्लूड कर देते थे। ठीक है, बट क्या था, इंक्लूसिव में क्या था कि इंक्लूसिव में हम दोनों को लेते थे, अपर लिमिट को भी लेते थे और फिर लोअर लिमिट, यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को हम क्या करते थे, इंक्लूड कर देते थे। इसीलिए इसको इंक्लूसिव बोलते थे, और एक्सक्लूसिव में एक्सटर्नल वाले को एक्सक्लूड करते थे और इंटरनल वाले को इंक्लूड करते थे। ओके, अब हमारा जो आज का टॉपिक है, ठीक है, वो थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स है छोटे छोटे, उस पर ध्यान देते हैं। इसके बाद हम नोवरिकल लगाएंगे आज। ठीक है, सॉल्यूशन करवाएंगे कुछ एग्जांपल्स। तो हमारा फर्स्ट है वेरिएट या वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल वो होता है जिसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो वही चीज़ वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, जो हमें बताया भी था एक्स वाई जेड, तो उसी तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होती है, हमेशा अपने अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, यानी कि चेंज होता रहता है एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो वो क्या होती है, एक्स वाई जेड को हम क्या बोलते थे, वेरिएबल बोलते थे। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एनी कैरेक्टर विच इज कैपेबल ऑफ टेकिंग सेवरल डिफरेंट वैल्यू। ठीक है, यानी कि हम अलग अलग वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो वही क्या होगा, अपने अनुसार। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएबल्स कहलाएगा। ओके, दूसरा जानते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है, ठीक है, तो क्लास इंटरवल का क्या हो गया, हमारा ये 10 to 20 हो गया, तो ये क्लास इंटरवल कितने का हो गया, 10 का हो गया। ठीक है, इसी को हम क्लास इंटरवल बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो अच्छी यानी क्लास इंटरवल क्या हो गया, ईच ग्रुप इन टू विच द रॉ डाटा कंटेंट, ईच ग्रुप इन टू विच द रॉ डाटा कंडेंस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। ठीक है, यानी कि जिस ग्रुप में हम क्या करते हैं, रॉ डाटा यानी कि जो ये हमारा डेटा रहता है उसको कंडेंस करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, हमारा क्लास इंटरवल हो गया। जिससे हमारे यहाँ से 10 to 20 क्या है, क्लास इंटरवल हो गया। जैसे यह ले सकते हैं 0 से 5, तो ये भी क्या है, एक क्लास इंटरवल, कितना का, 5। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, ध्यान से देखते हैं, कह रहे ईच क्लास इज बाउंडेड बाय टू फिगर्स। टू फिगर्स का मतलब क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया एंड सेकेंड वाला, यानी कि इसी को दो फिगर्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ईच क्लास इज बाउंडेड बाय टू फिगर्स विच आर क्लास लिमिट्स, जो क्या कहलाते हैं, क्लास लिमिट्स कहलाते हैं। द फिगर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड इट्स लोअर लिमिट, यानी कि जो फिगर का जो फर्स्ट वाला पोर्शन ही वाला है, ठीक है, लेफ्ट साइड का, उसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं, और जो अपर यानी कि जो राइट वाला है उसको क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। ठीक है, एंड दैट ऑन द राइट, यानी कि जो राइट है वो क्या हो जाए, इज कॉल्ड इट्स अपर लिमिट। ठीक है, यानी कि जो क्लास इंटरवल है उसके जो ये आगे वाला यानी कि लेफ्ट पोर्शन है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो बाहर वाला ये पोर्शन है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ओके, यानी कि हमारा हो गया वेरिएबल, जो उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होते रहे, वेरी करता रहे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो हो गया वेरिएबल। क्लास इंटरवल जो इसके बीच में लेंगे ये क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, तो ये हो गया क्लास इंटरवल, यानी क्लास इंटरवल में भी जो लोअर लिमिट हो गया, जो यानी कि लेफ्ट साइड का जो लेंगे उसको लोअर लिमिट, राइट वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। ओके, अब इसी में हमारा नया टॉपिक क्लास बाउंड्री और ट्रू अपर एंड ट्रू लोअर लिमिट। ठीक है, या क्लास बाउंड्री बोले या ट्रू अपर या ट्रू लोअर लिमिट। ठीक है,
ध्यान से देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट ध्यान से देखो, रूल नंबर फर्स्ट कहते हैं कि इन एक्सक्लूसिव फॉर्म, ठीक है, द अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ अ क्लास आर रिस्पेक्टिवली नॉन एज ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट। यानी कि जो भी एक्सक्लूसिव फॉर्म होगा, यानी कि एक्सक्लूसिव फॉर्म का मतलब क्या हो गया, हमारा इंटरनल वाला जो लोअर लिमिट होगा उसको कंसिडर करते हैं और अपर लिमिट को नहीं कंसिडर करते हैं, अपर लिमिट से थोड़ा सा पहले वाला यानी कि एक अंक कम, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक्सक्लूसिव में, यानी कि 20 को एक्सक्लूड करते हैं और 10 को इंक्लूड करते हैं, तो ये हो गया हमारा एक्सक्लूसिव। तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, उसको ट्रू अपर लिमिट और इसका ट्रू लोअर लिमिट होता है, ठीक है। इंक्लूसिव के लिए देखते हैं, तो रूल नंबर सेकेंड है इंक्लूसिव के, इन एन इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द ट्रू लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज ऑब्टेन बाय सब्सट्रैक्टिंग 0.5 फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास। यानी कि लोअर लिमिट हम कहाँ से निकालेंगे, ट्रू जब इंक्लूसिव रहेगा तो उस केस में क्या होगा, इंक्लूसिव के केस में ट्रू लोअर लिमिट होगा, उसको क्या करेंगे, लोअर लिमिट से हम क्या करेंगे 0.5 वहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करके निकालेंगे, ठीक है। और जो अपर लिमिट होता है वो ध्यान से देखो, एंड द ट्रू अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज ऑब्टेन बाय एडिंग 0.5। यानी कि जब अपर लिमिट निकालेंगे यानी कि ट्रू अपर लिमिट, तो उसके अंदर क्या करेंगे, जो अपर लिमिट होगा उसके अंदर क्या होगा 0.5 ऐड करके बनाएंगे, ओके। यानी कि हमारे पास इंटरवल मान लो कि 10 से 20 है, ठीक है। तो अगर इस इंक्लूसिव के केस में अगर हम ट्रू लोअर लिमिट निकालते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट में से 0.5 पर माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हो जाएगा हमारा ट्रू अपर लिमिट, ट्रू लोअर लिमिट, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर 20 में से यानी कि अपर लिमिट में से 0.5 ऐड करते हैं, ठीक है, तो अब ट्रू अपर लिमिट बराबर हो गया, यानी कि अपर लिमिट 20 प्लस का 0.5, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू अपर लिमिट, ओके। यानी कि दो केस होगा, यानी कि अगर हमारे एक्सक्लूसिव का केस में लेते हैं तो वो अपर लिमिट ही हमारा क्या हो जाएगा, एंड अपर एंड लोअर लिमिट वही हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू और ट्रू अपर लिमिट और ट्रू लोअर लिमिट कहलाएगा, ठीक है। यानी कि सेम चीज़ है एक्सक्लूसिव में, मतलब अगर इंक्लूसिव में लेते हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जी लोअर लिमिट के लिए 0.5 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और अपर लिमिट के लिए 0.5 ऐड करना पड़ेगा, दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि एक्सक्लूसिव में सेम जो होगा वही का वही रह जाएगा, यानी कि लोअर लिमिट होगा उसको ट्रू लोअर लिमिट बोलेंगे, अपर लिमिट को ट्रू अपर लिमिट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इंक्लूसिव में क्या होगा, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इंक्लूसिव में 0.5 लोअर लिमिट में घटाएंगे तो हो जाएगा ट्रू लोअर लिमिट, और 0.5 अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा ट्रू अपर लिमिट, ओके। ये हो गया मेरा दूसरा। इसके बाद हमारा छोटा टॉपिक है, छोटे छोटे, ठीक है, ध्यान से देखते हैं। क्लास साइज, क्लास साइज क्या होता है, तो ये क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड क्लास साइज। यानी कि अब ट्रू अपर लिमिट में से अगर ट्रू लोअर लिमिट को अगर माइनस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्लास साइज। तो अभी क्लास साइज वहाँ पे हमने निकाला था ट्रू अपर लिमिट क्या था, जो अपर लिमिट में 0.5 जोड़ के बनाए थे तो 20.5 हो गया, माइनस का ट्रू और लोअर लिमिट 10 में से 0.5 माइनस किया था 9.5 आया था। तो इस तरह से अगर 20.5 में से 9.5 अगर घटाते हैं तो क्या आएगा 11। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्लास साइज की बात करें तो कितना हो जाएगा 11, ओके। अब क्लास मार्क्स क्या होता है, क्लास मार्क ऑफ अ क्लास, तो क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस का लोअर लिमिट अब बट्टा में अगर 2 कर देते हैं तो यहाँ पे क्या निकलेगा क्लास मार्क, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर 10 से 20 दिया था तो ये हो गया हमारा लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट, तो दोनों को अगर ऐड कर देते हैं बट्टा में 2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 20 30 हो जाएगा, 30 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, तो ये हो जाएगा हमारा क्लास मार्क, ओके। अब आते हैं रेंज, रेंज क्या होता है, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू
ऑफ अ वेरिएट इज कॉल्ड द रेंज, यानी कि जो डिफरेंस बिटवीन होगा, यानी कि लो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को अगर घटा देंगे तो वही क्या कहलाएगा, हमारा रेंज होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि रेंज हो गया मैक्सिमम वैल्यू माइनस का मिनिमम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेंज। यानी कि अगर यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, मान लो कि मार्क्स दिया हुआ, ठीक है, किसी क्लास का स्टूडेंट का है जो कि 50 या 70 में से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखते हैं, 14, 15, 17, 19, 25, 27, 30 और 49 और 60 है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर पूछे कि अगर इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज क्या होगा, ये हमारा हो गया मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारा हो गया मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम माइनस अगर मिनिमम कर देते हैं तो ये क्या दे देगा, हमारा रेंज दे देगा, ओके। अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स को करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, द मार्क्स ऑब्टेन बाई 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 9 इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो, यानी कि 40 स्टूडेंट्स का मार्क दिया हुआ है, ठीक है, 9th क्लास का है एग्जाम का, ठीक है, दिया हुआ 23, 5, 12, 16, 8, 6, 12 इसे मार्क दिया हुआ कितना है, 40 स्टूडेंट का, ठीक है। तो कह रहे हैं रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है यूजिंग द सेम क्लास साइज, यानी कि सेम क्लास साइज के लिए, ठीक है, क्लास साइज का यूज करेंगे, स्टार्टिंग विथ द क्लास 0 to 5, यानी कि हमको जो क्लास स्टार्ट करना है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से 5 के बीच में होना चाहिए, यानी कि 5-5 का गैप लेकर बनाएंगे, ओके। तो फर्स्ट वेयर दिया है, वेयर 5 इज नॉट इंक्लूडेड, यानी कि 5 को इंक्लूड नहीं करना है, यानी कि 0 से लेकर कहाँ तक आएगा, 4 तक, फिर क्या होगा, आगे जाएगा तो फिर अगले वाले में 5 से लेकर उसके 1 अंक आगे तक, ठीक है, यानी कि लास्ट वाले को, यानी कि कौन सा है, इनको एक्सक्लूडेड वाला, एक्सक्लूसिव फॉर्म है, ना कि इंक्लूसिव, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या करते हैं, हमने क्या लिख लिया, मिनिमम ऑब्जर्वेशन कितना है इसमें, मिनिमम सबसे मिनिमम क्या है, 0 है, ठीक है, देखो 0 है, और मैक्सिमम कितना है, 23 यहाँ पे 24 है, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम 24 है और मिनिमम कितना है, 0, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं, और यहाँ पे हम इंटरवल लिख दे, मैक्सिमम कितना है, 24 है और मिनिमम है 0, तो ये कितना हो जाए, बोला है कि 0 से 5 क्लास साइज लेना है तो 0 से 5, फिर 5 से कितना हो गया, 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, क्योंकि 24 तक है तो 25 लिए, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सबको सजा लेते हैं, ठीक है, 0, 1, 2, 2, 3, 3, ठीक है, ये सब सबको असेंडिंग ऑर्डर में हमने ले लिया। अब फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो गया मार्क्स, इसके बाद टैली मार्क, फिर फ्रीक्वेंसी, ओके। तो ध्यान से देखो, 0 to 5, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, ठीक है। तो 0 to 5 ध्यान से देखो, इसमें 0 to 5 खोजते हैं, तो देखो 0 से लेकर 5 बोला है कि 5 यहाँ पे इज नॉट इंक्लूडेड, यानी कि 5 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो जब 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो कहाँ से लेंगे, 5 को छोड़कर उससे एक कम लेंगे, यानी कि 4 तक होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 0, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 4 तो है नहीं, 5, तो 5 को तो इंक्लूड करेंगे नहीं, तो कौन आएगा, केवल 0, 1, 2, 3, 2, 3, 3, यानी कि कितने हैं, 3, 3, 6 को, यानी कि कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, 6, और टैली मार्क यहाँ पे 5 से ज़्यादा होता तो क्या करते हैं, यहाँ पर चिन्ह लगाते हैं, और ये वाला हो गया, यानी कि 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5, एक हो गया, ओके। सेम यहाँ पर दूसरा देखते हैं, तो आप 5 को इंक्लूड करेंगे, लेकिन उसके लास्ट वाला यानी जो भी आएगा, यानी कि 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे, कहाँ तक आएगा, यहाँ पे 9 तक आएगा, यानी कि 5 से क्या होना चाहिए, 9, ठीक है। तो 5 से 9 आएगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, 5 लेते हैं, 5 तो 1, 2, 3,
चार पाँच छ सात आठ नौ, ठीक है। नौ आएगा यहाँ पे तो हो गया तुम्हारा एक पाँच, यहाँ पे तीन चार, तीन सात, तो सात तीन दस हो गया, ठीक है। क्योंकि दस को लेंगे नहीं, लास्ट वाला को बोला ना कि फाइव वाला है, लास्ट वाला इज नॉट इंक्लूडेड, तो इसलिए वाला टेन वाला भी इंक्लूड नहीं होगा, लास्ट वाला कोई भी इंक्लूड नहीं होगा, से को कम होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया टेन, तो टेन लिख दिया हमने फ्रिक्वेंसी, और इसको टैली मार्क में एक दो तीन चार, आई वाला पाँच, फिर छः सात आठ नौ, आई वाला दस, ठीक है। अब कहाँ से टेन से फिफ्टीन, तो फिफ्टीन तो शामिल नहीं होगा, इतना होना चाहिए चौदह था, तो टेन से लेके देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये नहीं शामिल होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा एट, तो देखो एट हो गया फ्रिक्वेंसी, ठीक है। यानी कि टेन से लेके फोर्टीन तक, ठीक है। आप देखते हैं हो गया, आप फिफ्टीन से लेके ट्वेंटी, तो ट्वेंटी नहीं लेंगे, कितना लेंगे नाइनटीन, यानी कि उन्नीस तक रहेगा। तो पंद्रह से लेके उन्नीस, तो पंद्रह के बाद ध्यान से देखो, पंद्रह हो गया, चल एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ को भी आ गया, यानी कि टैली मार्क, इसका क्या हो गया फ्रिक्वेंसी हो गया, यानी कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ हो गया, ठीक है। फिर क्या है, ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव, यानी कि ट्वेंटी फाइव को नहीं लेंगे, ट्वेंटी फाइव से वो कम होना चाहिए, तो ट्वेंटी फोर, तो देखते हैं कब आएगा, ध्यान से देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, यानी कि ये भी कितना हुआ आठ, इसका फ्रिक्वेंसी कितना हो गया आठ हो, ठीक है। तो एक दो तीन चार ये पाँच छः सात आठ, ठीक है। देखो टोटल कितना हो गया चालीस, ओके। तो इस तरह से हम क्या हो गया, ये हमारा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया। अगर यहाँ पे कहता है, यहीं पे ध्यान देना कि अगर वेयर फाइव इज इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड, दिया ना पे, अगर वहाँ पे फाइव इंक्लूड किया होता तो हम जीरो से फाइव वाला लेते, यानी कि फाइव भी इसमें क्या हो गया था शामिल हो गया होता, ठीक है। तो ये हमारा एक्सक्लूसिव फॉर्म है, ना कि इंक्लूसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना चीज़ों को कि कब इंक्लूसिव, अगर यहाँ पे बोल देता अगर इंक्लूसिव तो इसको क्या करते हैं ले के बनाते हैं, यहाँ पे जीरो और फाइव दोनों लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्सक्लूसिव है, ना कि इंक्लूसिव है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ध्यान देना, अगर नहीं थोड़ा सा ध्यान देगा तो गलती हो जाएगा, ओके। अब क्या करते हैं क्लास मार्क, ये भी पूछा है कि आल्सो फाइंड क्लास मार्क एंड रेंज। तो क्लास मार्क क्या होता है भाई, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा टू, तो अपर लिमिट कितना है ट्वेंटी फोर, ये था ना मैक्सिमम, और सबसे मिनिमम क्या था जीरो, तो ट्वेंटी फोर अपॉन टू तो कितना हो गया ट्वेल्व आपका, ठीक है। रेंज, तो रेंज क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर कितना था ट्वेंटी फोर, लोअर था जीरो, तो ये क्या हो गया ट्वेंटी फोर, ओके। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव को ध्यान में रखते हुए, अगर ये चीज़ें ध्यान में नहीं रखोगे तो 100% है कि गलती होना ही होना है, ठीक है। तो जब इंक्लूसिव कहेगा तो इस दोनों को लेके इंटरवल लेंगे, अगर एक्सक्लूसिव कहेगा तो इसके इंटरवल के लास्ट वाला अपर लिमिट को कंसिडर नहीं करेंगे, उससे एक अंक पहले कंसिडर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अच्छे से समझ लेना, एक बार फिर से इसको पढ़ लेना, ध्यान देना, ठीक है। जो भी नहीं समझ में आता कमेंट में लिखा करो, ठीक है। और बुक अपने पास अगर रखे हो तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। या तो हम दो तीन होमवर्क में, जो कल का होमवर्क मिलेगा उसमें हम इसमें से क्वेश्चन देंगे, ओके। इसलिए सॉल्व कर लेना, गुड बाय।